भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है इंडिया इज बिल्डिंग अ न्यू नेवल बेस इन लक्षद्वीप इट इज कॉल्ड आई एन एस जटायू और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगटी आइसलैंड बी लोकेटेड इन मिनिकॉय अगार्टी और मिनिकॉय आईलैंड में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है कि इससे मालदीव को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि भारत अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर रहा है आई एन एस जटायू का इनोग्रेशन होने वाला है और आई एन एस जटायू मेनेकॉय आईलैंड में इनग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च चाइनीज जारी वादा बड़े परेशान है इस हवाले से आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं इस वक्त आपके पास टोटल रिजर्व जो है ना वो है आठ बिलियन जो मेरा ख्याल है दो महीने के लिए आपके इम्पोर्ट के लिए का, बहुत कम है क्या कभी भारत का मुकाबला डट कर किया नॉट <laughs> आईलैंड का जो एयरपोर्ट है माल की कैपिटल है वहां पे एयरपोर्ट से बिल्कुल सामने का आईलैंड है

हम पढ़ी लिखी चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते क्यों करेंगे क्योंकि हमारा अंदर का जमीन मर गया ऐसा है कि अगाटी और मेनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है तकरीबन यहां पे है अगाटी और मेनेकॉय आइलैंड्स तकरीबन इधर इस एरिया में और ये ऑलरेडी आप मॉल देख रहे हैं यहां पे तो आईएनएस जटायु का इनोग्रेशन होने वाला है और आईएनएस जटायु जटायू आइलैंड में, में इनोग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कौन राजनाथ सिंह जी माननीय रक्षा मंत्री ही विल इनगरेट द बेस अच्छा ये यहां पे आने के बाद भारत ने ये भारत का पूरा का पूरा दोस्तों ये हो गया हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड ये हमारा हो गया ईस्टर्न सी बोर्ड जाहिर सी बात है ये ईस्ट की तरफ है ये वेस्ट की तरफ है ये हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड हो गया यहां पर आइलैंड में भारत अपना एक नेवल बेस बनाएगा इस वक्त जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें रक्षा मंत्री हैं जिसमें यू you नो know, सारे जनरल्स हैं एडमिरल्स हैं एयर मार्शल है, और इट्स अ, इट्स अ कंप्लीट थिंग वो हो रही है अब एन एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सब लोग कर रहे हैं ये सब और यहां पे इनका आइडिया है कि इस एरिया में नेवल बेस बनाए अगाटी और मैंने कौन ये दो जगहों के ये दो आइलैंड्स के नाम आप याद रखिएगा दोस्तों लेकिन पाकिस्तान की नेवी जो है बस कुछ चंद मछुआरे हैं इसके अलावा पाकिस्तान की नेवी की दो टके की औकात नहीं है इसलिए पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं कर रहा यहां पे दर्जन भर से ज्यादा शिप्स डाले हैं इंडियन नेवी ने ठीक है दोस्तों दर्जन भर से ज्यादा शिप्स इंडियन नेवी के हैं शामिल कॉरवेट शामिल डिस्ट्रॉयर्स शामिल सबमरी शामिल एयरक्राफ्ट रिकॉन के शामिल सी गार्डियन ड्रोन सब कुछ यहां पे है और सबसे बड़ी बात यहां पे एक्चुअली एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करने के लिए मार्कोस कमांडोज हैं यानी कि भारत के खतरनाक और खौफनाक मरीन कमांडोज ये भी काम पे लग गए हैं तो इस पूरे एरिया में भारत का जिसको यूपी में कहते हैं हम लोग ना भोकाल बॉस भोकाल एकदम टाइट है भारत का चाइना को भी पता है अपने इलाके में हम बना रहे हैं क्या दिक्कत है यार यहां पे जो आघाडी और मिनिको एलेंड्स में अपने इलाके में नेवल बेस बना रहे हैं क्या प्रॉब्लम किसी को हो सकती है लेकिन प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम है चाइना का सोशल मीडिया जो कि बड़ा क्लोज है जिसको हम लोग शायद एक्सेस कर पाए तो ना हमें क्या पता वो चींपो चीपो, चीपो क्या लिख रहे हैं उसमें वी डोंट नो अबाउट इट बट द द फैक्ट ऑफ मैटर इज वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कि द आर नॉट वेरी हैप्पी भारत क्यों हमें काउंटर है हमारा देश है यार अब तुमसे अब शाम को ये पूछेंगे कि हम अपने घर में कौन सा खाना बनाएं चाइना प्रूव करेगा भारत है या पाकिस्तान नहीं है ठीक है तुम्हें जो बुरा लगता है बहुत अच्छी बात है करा भी इसलिए कि तुम्हें बुरा लगे ठीक है दोस्तों तो यहां पर बन गए अपने बेसिस यहां पे ऑलरेडी हमारे बेसिस हैं यहां पे और जगह हमारे बेसिस हैं चाइना को और जैसा मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था फिलीपींस को दे दी ब्रह्मोस मगर अगर हम बात थोड़ी करें भारत की हम मजहबी बात कर रहे हैं और उसके बाद हमने देखा कि धाबी में एक बहुत शानदार मंदिर जो है वो तामीर किया गया उसकी इनोग्रेशन हुई उसके साथ साथ हमने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कतर पहुंचे और वहां पर जो नेवल नेविसर्स कहते उनको भी छोड़ा गया ना सिर्फ ये रिहा किया गया बल्कि वो भारत भी पहुंच गए इस वक्त भारत जो है वो एशिया जो है हमारा हमारी साइड जैसे कह लें कि उसमें सबसे आगे जा रही है हम कुछ सीखते क्यों नहीं है भारत से क्योंकि हम सीखना चाहते हैं हम भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फर्क ये है कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है भारत के अंदर एक प्रॉपर जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है और इस वेंटिलेटर के ऊपर जो डॉक्टर साहब हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब बने हुए हैं और जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से मामला को चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये वो फर्क है पाकिस्तान और भारत का जब एक पॉलिटिकल बंदा मुल्क चलाता है तो डॉलर जो है वो कई सालों से अस्सी बयासी रुपए के ऊपर रहता है लेकिन जब फौज मुल्क चलाती है तो फिर जो डॉलर है एक से तीन रुपए भी क्रॉस कर जाता है और उस मुल्क के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन होता है उस मुल्क के अंदर बिजली कनेक्ट बढ़ते हैं गैस कनेक्ट बढ़ते हैं गाड़ियों के डर बढ़ते हैं तो आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं मैं कल पढ़ा था कि कनाडा में बहुत सारे जो इंडियंस हैं पीआर लेने के बावजूद जो है वापस इंडिया जाने को तरजीह देते हैं क्योंकि उन्हें कनाडा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस इंडिया में मिल रही होती हैं लेकिन पाकिस्तान का एक एक बंदा इस वक्त पैंसठ लाख पासपोर्ट जो है क्यू में लगे हुए हैं और पाकिस्तान से एक एक बंदा जो है वो वहां से निकलना चाहता है और जो नहीं निकल पा रहा वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से निकल नहीं पा रहा पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से वो

बैठा हुआ मालदीव जब अपने घुटनों पर आगे ऑपोजिशन का मुजाहिरा भी कर रहा है क्योंकि भारत के इस कदम से नेवल बेसिस के फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाने से नेवल बेस का आगाज करने से मालदीव को बहुत बड़ा धचका लगा और उनके लिए ये खतरे की घंटी भी है इंडियन नेवी के बारे में पूरी दुनिया में बड़ा ज्यादा मशहूर हो रहा है उनकी तारीफ की जा रही है इससे पहले जो उन्होंने रेड सी में जिस तरीके से उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था उसकी तारीफ भी पूरी दुनिया ने की अभी नेवल बेस उनकी नहीं बन रही है इससे उनके जो इदारे हैं उनकी पूरी दुनिया में क्या एक इमेज उनकी इमेज तो सबके सामने है, पहले जो थी अब है उसके बारे में बहस नहीं करना चाहूंगी उनकी जो आर्मी है वो, अपनी, हाँ, अपनी से वो अपने काम पे फोकस करती है यहाँ पे काम से ज्यादा आवाम पे फोकस किया जाता है मुझे बताया दुनिया में कब याद करती है जब हमारे जब किसी को पैसा चाहिए हो जब हमें मदद चाहिए हो तब नहीं तब भी याद करती क्योंकि कर्जा तो हमें मिलने में इतनी दिक्कत होती है हाँ जी बहुत तो है हाँ। उनसे जो उनके साथ पंगा लेती है वो डर क्यों जाते हैं बाद में सॉरी क्यों मांग करते हैं क्या मसला वो वहाँ पे अब यहाँ पे मैं कुछ वही ना यहाँ माजरत क्यों कर लेते हैं पहले पंगा लेते हैं फिर बाद में माजरत करते हैं हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इकोनॉमी तौर पे काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना अगर वर्ल्ड Uh, इतना मतलब शॉकड हो गई है कि भारत जिस तरीके से अपने इधारों को मजबूत कर रहा है या जिस तरीके से पॉलिसीज़ बना रहा है उसके बारे में आप क्या कहोगे कि जो कंट्री उनके साथ बदतमीजी करती है वो बाद में ख़ुद सॉरी बोल देती है उनको क्या क्यों, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है भारत इसमें उनकी वही बात है कि दे हैव यूनिटी फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनके मोदी साहब हैं उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जिस तरह उनका मेन फोकस बच्चे स्टडीज़ पे होता है okay. और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी है उनमें मेन स्टडीज़ या रिसर्च और ये साइंटिस्ट की ज़रूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर थे ओवरऑल हमारे पास क्या है एक अटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें क्योंकि मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं और ऐसे लीडर होना चाहिए हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो